मुठभेड़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश के सतना के लाल शंकर प्रसाद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सभी की आंखें नम हो गईं। वहीं शहीद के परिवार में भी गमगीन माहौल बना हुआ है। सीएम शिवराज ने शहीद को नमन किया और साथ ही शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। शंकर प्रसाद CISF में ASI के तौर पर पोस्टेड थे और शुक्रवार को जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजवामा सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार जिसमें पत्नी और 2 पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं, प्रदेश की और देश की। और आइए सीधे सतना की ओर रुख करें। आदिल खान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आदिल, वहां से क्या ताजा जानकारी, क्या हालात वहां पर? इस वक्त हम देख रहे हैं जो माहौल है काफी गमगीन है और सभी लोगों की आंखें इस वक्त नम नजर आ रही। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जहाँ पे शहीद शंकर प्रसाद जी का जहाँ पे संस्कार हो गया है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया गया है। लगभग लगभग आसपास के जितने गांव हैं, मैयर शहर है, सतना जिले प्रदेश के लगभग कहा जाए तो आसपास के पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे और शहीद शंकर प्रसाद उनको श्रद्धांजलि दिए। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कारण से नहीं आ पाए, लेकिन उनके ही वजह से प्रतिनिधि के तौर पर राजमंत्री रामलवन पटेल व सांसद गणेश सिंह व जो देश के चेयरमैन है इंटेलिजेंस ब्यूरो MS मित्तल जी, वो भी मौके में पहुंच गए हैं, शहीद शंकर प्रसाद जी को श्रद्धांजलि दिए हैं। साथ में मुख्यमंत्री जी का जो पत्र है उनको परिजनों के जो शहीद शंकर प्रसाद उनके पत्नी को पत्र दिए जिसमें 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि वह गांव में उनके नाम से स्मारक बनेगा। साथ में उस गांव के जो कॉलेज है महाविद्यालय वो शंकर प्रसाद पटेल के नाम से महाविद्यालय जाना जाएगा। साथ में 1 जन के परिवार को नौकरी देने का भी वादा राजमंत्री रामचंद्र पटेल मुख्यमंत्री के पत्र के अनुसार पत्नी को पत्र सौंपे। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, पूरा गांव जो है वो वहां पर मौजूद है, पीड़ित परिवार जो है वो वहां पर मौजूद है और सब इस वक्त गम का माहौल चारों ओर नजर आ रहा है, देख रहे हैं हम तस्वीरों में। लेकिन जो सम्मान राशि दी जा रही है 1 करोड़ रुपए की, साथ ही एक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। और वहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।